हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं अमित आर्या। आप देख रहे हैं मेरा टेक्निकल चैनल यूट्यूब डे में आप सभी लोग का स्वागत है। तो मैं इस वीडियो में आपको कुछ सबसे पहले तो वीडियो शुरू होने से पहले आपको कुछ दिखा देता हूं जो यूट्यूब को अपडेट किया है। ठीक है, ये जो यूट्यूब एप्स है इस पर आप जैसे ही आप क्लिक करोगे तो क्लिक करने के बाद इस वाला आइकन पर आओगे, तो आप जैसे आप उस वाले आइकन पर जाओगे तो यहाँ पर लिखा रहेगा योर चैनल। ठीक है, जो आपका चैनल है तो यहाँ पर चैनल लिखा रहेगा और इस पर जब भी आप ऐसे क्लिक करोगे तो क्लिक करने के बाद आपके सामने एक नया फीचर ओपन हो जाएगा। तो आप देख सकते हैं इस तरीके का ऑप्शन आ जाता है जो यहाँ पर लिखा है एडिट चैनल और यहाँ पे मैनेज वीडियो। ठीक है, ये दो चीज़ है। आप जैसे आप एडिट चैनल पे आप जैसे आप क्लिक करोगे, ये न्यू फीचर अभी दिया है, तो यहाँ पर अपने चैनल का नाम, यहाँ पर डिस्क्रिप्शन, ये सारा जो डिस्क्रिप्शन है और यहाँ पे जो भी आपको ऑप्शन मिलता है आपको ये न्यू मिला है। ठीक है, और यहाँ पे अपना लोगो भी चेंज कर सकते हैं। अब दूसरी बात, एक चीज़ बहुत ही महत्व यहाँ दिया है दोस्तों, यहाँ पे मैनेज वीडियो पे आप जैसे मैनेज वीडियो पे क्लिक करोगे तो सबसे पहले आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ, यहाँ पे जो थ्री डॉट है, तो जैसे आप थ्री डॉट पर क्लिक करोगे तो यहाँ पर एडिट वाला ऑप्शन पर आप जैसे ही क्लिक करोगे तो यहाँ पर देखिए, जैसे आप YT स्टूडियो में आप कोई भी चेंजिंग करते थे तो यहाँ पे सारा चीज़ दिया है और यहाँ पे उससे भी थोड़ा अच्छा दिया है। यहाँ पे सबसे अच्छा क्या दिया, यहाँ लोकेशन दिया है, आप यहाँ पे लोकेशन अपना लगा सकते हो और यहाँ पे अपना टाइटल, यहाँ पे डिस्क्रिप्शन, यहाँ पे पब्लिक जो आदमी करता है वीडियो, और यहाँ पे जो किड्स जो ऑप्शन होता है यहाँ पर भी दिया है, और यहाँ पर ऐड टू प्ले दिया है, और यहाँ पर आप अपना टैग लगा सकते हैं। ये सारा चीज़ आपको मैं दिखा देता हूँ, थोड़ा बैक आकर ये सारा चीज़ दिया रहता है YT स्टूडियो में। यहाँ पे आपको दिखा देता हूँ YT स्टूडियो को ओपन करके, ये आपका YT स्टूडियो रहता है दोस्तों। और जब भी आप कोई भी एडिट करना चाहते हो तो आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ, तो एडिट के ऑप्शन पे जाओगे तो यहाँ पे देख सकते हैं सेम टू सेम। जैसे देखिए यहाँ पर लोकेशन नहीं दिया है, लेकिन आप डायरेक्टली आप यूट्यूब एप्स में जाओगे तो वहाँ पे लोकेशन ऐड करने का ऑप्शन दिया रहता है। ठीक है, तो आप सेम टू सेम YT स्टूडियो जैसे अपडेट कर दिया है यूट्यूब एप्स को। ठीक है, तो हम आ गए हैं यूट्यूब एप्स में। अब देखिए आपको क्या फीचर आपको और बता देते हैं, जैसे मैनेज वीडियो पर आप जैसे आप क्लिक करोगे तो इस वाले आइकन पर जैसे आप इस पर क्लिक करोगे तो यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ पर लिखा है मोस्ट पॉपुलर। ठीक है, यानी जो आपका सबसे ज़्यादा वीडियो गया हुआ वो यहाँ से आप देख के एडिट कर सकते हो। और यहाँ पे डेट एड ओल्ड लिस्ट, यानी जो सबसे पुराना वीडियो है वो भी आप ऑटोमेटिक देख सकते हैं। और यहाँ पे न्यू, जैसे कि मान लो कभी हमको देखना है जो सबसे पॉपुलर मेरा वीडियो जो वायरल हुआ है उसको हम मोस्ट पॉपुलर पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आप देख सकते हैं जो सबसे ज़्यादा मेरा व्यू गया है, ये सारा चीज़ आ जाता है। ठीक है, अब आ जाते हैं पीछे, उसके बाद आपको फिर से आपको जो यहाँ पे दिया है ओल्ड लिस्ट, यानी जो सबसे पुराना आपका वीडियो अगर आप अचानक मतलब ऑटोमेटिक लाना चाहते हैं तो आप यहाँ से ला सकते हैं एक ही बार में। ठीक है, आपको बार बार नहीं जाना पड़ेगा। ओके, अब आपको जैसे कि न्यू आपका है तो यहाँ पे न्यू तो है ही, यहाँ पे न्यू पे यानी जो आजकल में आप जो वीडियो अपडेट किए होंगे अपने चैनल पे, ये सारा चीज़ दिखा देगा। ये हमको बहुत अच्छा ये फीचर लगा। तो अगर आपके मोबाइल में इस तरह के अगर फीचर नहीं दिखाई दे रहा है तो आप अपने प्ले स्टोर में जाके अपडेट कर सकते हैं। आप खुद देख लीजिए यहाँ पे कितना अच्छा अच्छा ऑप्शन मिल गया है दोस्तों, यहाँ पे एडिट करने के लिए, यहाँ पे सेव टू वॉच लेटर हो गया है, यहाँ पे सेव टू प्ले लिस्ट में जो प्ले लिस्ट में हम लोग ऐड करते हैं वो चीज़ हो गया है, और यहाँ पे एडिट, यहाँ पे डाउनलोड और यहाँ पे शेयर का हर एक चीज़ का ऑप्शन यहाँ पे मिल चुका है दोस्तों। ठीक है, तो अगर आपके मोबाइल में अगर ऐसा नहीं आया है तो आप जाकर अभी प्ले स्टोर से आप अपना एप्स को अपडेट कर सकते हैं और उसके बाद आपके में भी ये फीचर आ जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आप लोग के लिए बहुत ही यूजफुल होगा। तो वीडियो पसंद है तो लाइक कर देना, चैनल नया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। चलिए वीडियो खत्म करते हैं, जय हिंद, वंदे मातरम।